सो हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू यू आई सो ये सेकेंड सेशन uh, है मेंस का मॉक है ये so, सो इसमें जो क्वेश्चन फ्रेमिंग के सोर्सेस हैं वो आपके पूरे वीक के जो हिंदू का सेशन हुआ जो कि लेट्स क्रैक यू पी एस चैनल के अंदर होता है सो so, वहाँ से ये टॉपिक्स पिक किए गए हैं और क्वेश्चन आए हैं फ्रेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है कहीं भी कोई शब्द में डाउट हो तो आप इंग्लिश वाला थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन वट इम्पैक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग विल हैव ऑन कल्चरल मैप ऑफ इंडिया ये देखो इसका सोर्स क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो ग्लेशियर्स है अंडर थ्रेट है तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो थ्रेट में है अब प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है प्रश्न बेसिकली इट इज सेम टेन मार्क्स का इसको आपको लिखना है ठीक है आप शेयर कर सकते हैं मुझे तो यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो आप लिखना चाहिए आपको कि कमेंट सेक्शन में कुछ भी पॉइंट्स आपके मन के अंदर आए तो आप एक बार गो थ्रू ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सोचने में थोड़ा मजबूर करेगा यहाँ किसी किताब में नहीं मिलेगा आंसर ये हिंदू का जो डिस्कशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं से नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स के सो वाट इम्पैक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग विल हैव ऑन द कल्चरल मैप यूनिस्को की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम है तो देखो कल्चरल मैप है जैसे अब इंडिया में देखो गंगोत्री यमुनोत्री वाला जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखो फिर किस तरीके से वो कल्चरल कंटेक्स में वो जगह इम्पोर्टेंस होती हैं ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो वो चला जाएगा रिवर्स का जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है उस पर आप बात कर सकते हो तो टेन मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ इसमें आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हो और लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखो यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरी नीड यूनिफॉर्मिटी एडिंग दैट सेकुलरिज्म कुड नॉट द प्लोरालिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यहाँ पे नीचे की स्टेटमेंट आया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इसी बी की आर्टिकल आया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका सो यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरी नीड यूनिफॉर्मिटी एकीकृत राष्ट्र को एकरूपता की आवश्यकता नहीं थी है ना धर्मनिरपेक्षता देश में प्रचलित प्रभा बहुलता का खंडन नहीं कर सकती इस पर आपको डिस्कशन करना है कुड नॉट कॉन्ट्राडिक द प्लिस सेकुलरिज्म शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट प्लोरिटी प्रेवलेंट इन इसको डिस्कस करना है दिस इज स्टेटमेंट यू कैन डिसएग्री एग्री ऑल्सो तो यहाँ पे क्या यूनिफाइड जो नेशन है उसका मतलब यूनिफॉर्मिटी हर चीज़ सेम हो तभी यूनिफाइड नेशन होगा एकीकृत राष्ट्र होगा जब हर चीज़ यूनिफॉर्म हो जाएगी और सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये क्या इट जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इट शुड इट शुड कॉन्ट्रेडिक्ट पुलॉरिटी जो प्रेवलेंट है डाइवर्सिटी जो प्रेवलेंट है देश के अंदर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते है। इसको थोड़ा सा आपको लिखना है दोनों को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करते रहना है और साथ में कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी दे यूनिफॉर्म सिविल कोड के में जो मैंने आपसे डिस्कशन डिटेल में किया था उसको आप कुछ एक आर्गोमेंट के रूप में कंसिडर कर सकते हो और लिख सकते हो ये भी आपका दस मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको आपको लिखना है नेक्स्ट देखो फूड सिक्योरिटी इज इम्पैक्टेड बाय नॉन इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव ये भी टॉपिक अगर आप देखोगे तो ब्लैक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में हैं तो देखो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें uh, की अगर हम बात करें uh, तो यहाँ पर जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके बियॉन्ड भी कई फैक्टर्स होते हैं जो फूड सिक्योरिटी को आपका अफेक्ट करता है तो इसमें एक फैक्टर जैसे मान लो पैंडमिक को आप हाईलाइट कर सकते हो वॉर को हाईलाइट आप जो है वो कर सकते हो मतलब सिर्फ क्लाइमेट या वहाँ के इको से रिलेटेड फैक्टर यानी पैंडमिक है वॉर है सप्लाई चेन है प्रो, प्रोडक्शन सिस्टम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ऐसे डब्ल्यू के नॉर्म्स हैं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हो तो इसमें आप फिर रिसेंट जो ब्लैक ग्रीन इनिशिएटिव है जिसमें तर्की है आप यूएन है रशिया और यूक्रेन है इनके बीच में है तो जिससे कि यूक्रेन से जो ग्रेन वीट है खासतौर से और दूसरे जो कुछ एडिबल ऑयल्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके दैट कैन बी एक्सपोर्टेड और एक्सपोर्ट खासतौर से आपके किया जा सके ईज़िली जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ तक मतलब जो डिपेंडेंट है उन पर तो वहाँ तक उनको सप्लाई किया जा सके फूड की वहाँ तक उन उनको तो, उन तक पहुँचाया जा सके तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि लॉजिकल फैक्टर्स कैसे नॉन इकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से so, उसको आपको एक्सप्लेन करना है टेन मार्क्स में लिखना है तो ये आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस किया था इन दोनों उसी पर बेस्ड एक प्रश्न नेक्स्ट देखो व्हाट रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है तो प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है देखो है ना क्या टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है अभी ये सब देखो क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो कहीं से आपको करंट अफेयर्स लगेगा नहीं जो हम जिस तरीके से पढ़ते हैं सब टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल के अंदर द सेशन दैट आई टेक द हिंदू सेशन ठीक है तो वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देखो वॉट रोल टेक्नोलॉजी कैन पे मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अब देखो यहाँ पे आपके बस कंटेंट कहाँ से आएगा तो यहाँ पे देखो सी एस आई और एन जी आई इन्होंने क्या किया है uh, सिस्मोमीटर नॉल डेवलप किया उसको इंस्टॉल किया uh, है ना रडार का एग्जाम्पल आप बता सकते हो तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिजास्टर्स हैं अर्थक्वेक के कंटेक्सट में अब लॉन्चे हैं ये है अभी जैसे इवन uh, अभी जो प्रिलिम्स के अंदर मैंने आज के कल के सेशन के अंदर जो आपसे डिस्कस किया था उसमें वेदर रडार्स के माध्यम से जो रे रैपिड रेन बस्ट होता है उसको आप रोक सकते हो ठीक है रैपिड रेन बस्ट जो होता है उसको रोका जा सकता है तो ये सब चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए हेल्प कर सकती है टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई तो वाट रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत मैटर करेगा यहाँ पे आप मैप भी बना सकते हो और शो कर सकते हो कि जैसे देखो इंडिया काफ़ी अधिक प्रोन है डिजास्टर के तो आ, कई सारे जो रीजनस हैं इंडिया के वो अलग अलग डिजास्टर से प्रोन है तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो जैसे हिमालयन रीजन है आर्थवेक भी है बलांचे भी है फ्लड uh, भी है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लडिंग भी है इधर आपका सुनामी भी है साइक्लोन्स uh, भी हैं ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स हैं जो कि आप हाईलाइट कर सकते हो मैप बना कर लेफ्ट साइड में फिर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको है जैसे डिफेंट डिफरेंट आप डिज़ास्टर को देखते हुए यू कैन एक्सप्लेन इट इस पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कोट की ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर को अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट देखो आर्टिकल वन सिक्स थ्री फेल टू ब्रिंग गुड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इसको आपको डिस्कस करना अब देखो ये भी क्वेश्चन है अब आपके मन में आएगा कैसे प्रश्न आएंगे अब इसके पीछे अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स एक्सप्लेन सीरीज के अंदर डिटेल में आया हुआ है आई हैव एक्सप्लेन ऑल्सो कई केसेस इसमें हाईलाइट किए गए हैं तो वो केसेस आप वो यूज करके आप आंसर जो है लिख सकते हो तो यहाँ पे आर्टिकल वन सिक्स थ्री इट फेल टू ब्रिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव इसको लिखना डिस्कस करना वेदर इट्स फेल्ड और नॉट पहली चीज तो आर्टिकल वन सिक्स थ्री क्या है वो जानना जरूरी है वाइट इस फील्ड उसमें आप बता सकते हो जब जो डिटोरेटिंग कंडीशन है जो एक प्रकार से कंडीशन एक जो रिलेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच सॉरी गवर्नर और यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो आर्टिकल वन सिक्स थ्री फेल्ड टू ब्रिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन बिटवीन गवर्नर जस्ट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो बिटवीन द गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो ठीक है यहाँ पे आ, यहाँ न्यायपालिका लिख गया तो यहाँ पे बस आपको लिखना गवर्नर जो गवर्नर है और आपके स्टेट गवर्नमेंट है इसके बीच में ठीक है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे आर्टिकल वन सिक्स थ्री फेल टू ब्रिंग अ गुड रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के और गवर्नर के बीच में जो रिश्ते हैं उसको उतना अच्छा नहीं तो कुछ केरला का के एग्जाम्पल दे सकते हो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हो फिर क्या रोल प्ले किया है कुछ कोर्ट के जो आ, आस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया है सेशन के अंदर तो वो आप थोड़ा सा मेंशन जो है कर सकते हो तो ये भी कोशिश करना है टेन मार्क्स में भी लिखने की आदत डालना है नेक्स्ट देखो इंटर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी विल हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया एक्सप्लेन आपको करना है यहाँ पे देखो रुपी सेटल ट्रेड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट अब्लिकेशन पर्कस तो ये देखो यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन वन टॉपिक इस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ सो इंटरनेशनलाइजेशन जो रुपीज़ मतलब जो ट्रेड वेड सब जो होता है उसको कैसे उसमें रुपी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम करें तो जो इंटरनेशनलाइजेशन है रुपी का उस उसका क्या इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया के लिए होगा जैसे फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी जो बाहर फैक्टर्स है उससे हमारा इन्फ्लेशन कम होगा ऐसे कई जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको प्रोवाइड किया था इसको ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है इसमें अगर आपके पास कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया था तो इजीली आप लिख सकते हो इसको जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है फिर दो लाइन में आपको कंक्लूड करना है सो so, ये भी क्वेश्चन है इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए फ्रेम हो, हो सकता है सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाई मी पिछले हफ्ते भी हमने ये जो एक मेंस का मॉक है वो मैंने आपके लिए क्रिएट किया था कोशिश करो एटलीस्ट ये मॉक को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ले सकते हो आप लगभग 40 मिनट के आसपास का समय लेके लिख सकते हो अनकेडमी में आप उससे जुड़ सकते हो यूज़ द कोड एस पी एल आई वी कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी तो आपको क्या करना होता है बस अनकेडमी में जाओ बस एक साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लो एक दो साल के लिए और कोड डाल के जो है सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और आप मेरे लिए जैसे मुझसे मेरा जो करंट अफेयर का कोर्स तो देख ही पाओगे साथ में सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हो कोड डालते तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर पाओगे तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी अपने पढ़ाई का मोमेंटम मेंटेन रखें क्वालिटी जो एजुकेशन उस पर फोकस जो है रहेगा तो कैसे ज्वाइन करना अकेडमी डॉट कॉम में यू पी में एस पी लाइव कोर्ट डाल के आपको ज्वाइन करना ऑलरेडी नवंबर का कोर्स स्टार्ट हो गया है तेईस चौबीस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जरूर से आपको आग करना है आई प्रोवाइड जैसे माइंड मैप में आपको हिंदू का प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं एम सी क्यूज़ के पी डी एफ्स रहते हैं आंसर राइटिंग भी होती है हिंदू के एडिटोरियल्स डिफरेंट न्यूज़ हर चीज़ आपको करंट अफेयर्स जो भी करना सब कुछ है तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं वीक में पाँच क्लासेस हैं बाकी चीज़ें आप अपना पढ़ाई करो ऑप्शनल लर्न और ये सब एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप चाहो तो जुड़ सकते हो मुझसे दो महीने के अंदर आप अपने ऑप्शनल कर सकते हो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको बस वो दो महीने के लिए तीन बैचेज आए हैं कैडेड आउट तो दो महीने के अगर आप वो बढ़िया तरीके से सारे सेशन अच्छे से देख लोगे तो आपका कोर्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी अच्छे से हो जाएगा सो ये सारा था आज के लिए सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू एवरी थैंक यू यू, यू चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़रूर से लाइक और शेयर जरूर से करें थैंक यू